नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के साथ जो भी कुछ हुआ था होटल के उस कमरे में, अब रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिस रिपोर्ट को देखकर पुलिस भी हैरान हो चुके हैं कि आखिर आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल के कमरे में क्या सब हुआ, वो सारी जानकारी आखिरकार पुलिस के हाथ लग चुकी है और ये बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे के साथ ये बड़ी घटना हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड समर सिंह का भी हाथ हो सकता है। जिस मामले को लेकर अब पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिन लोगों का कनेक्शन आकांक्षा दुबे के साथ था। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह साफ साफ नजर आ रहा है कि आकांक्षा दुबे के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि जिस तरह से आकांक्षा दुबे के कमरे में वो लड़का घुसा था, सीसीटीवी फुटेज आए थे, उसके आधार पर अब आकांक्षा दुबे के जो भी कातिल हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आकांक्षा दुबे के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, जिसके कारण ही आकांक्षा दुबे ने ऐसा किया। क्या इस मामले में समर सिंह का हाथ हो सकता है, क्योंकि समर सिंह फिलहाल फरार हैं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस उनसे कनेक्ट कर रही है लेकिन समर सिंह का कोई भी पता नहीं चल रहा। दोस्तों, अगर आकांक्षा दुबे के इस केस में उसका हाथ नहीं है तो वो क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और इस रिपोर्ट के आधार पर और इस सीसीटीवी के आधार पर अब उन सभी लोगों से पूछताछ हो सकती है, उन सभी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है जिन लोगों का हाथ आकांक्षा दुबे के इस केस में थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं समर सिंह का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके साथ ही इनका काफी क्लोज रिलेशनशिप था। तो दोस्तों, जैसे इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार करेगी, जैसे इसके बारे में कोई नया एविडेंस सबूत सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। धन्यवाद।